रावत साहब पूछ रहे हैं कि जब BLDJ से ट्रेलिंग लोको का भी डीजे ओपन हो जाता है तो फिर न्यूट्रल सेक्शन पर डीजे ओपन करने के दौरान BLSN स्विच को भी नीचे करने को क्यों कहा जाता है सर। तो आज इसके ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि BLSN का क्या काम है। आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। यहाँ पे मैं आप जो कमेंट करते हैं उसके अनुसार वीडियो बना के आपको भेजता रहता हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और छोटे छोटे सवालों का जवाब भी मिलता रहे। दोस्तों, ऑडियो देखने के लिए आप खबरी ऐप पर जाइएगा। खबरी ऐप का लिंक भी मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां से आप क्लिक करके खबरी ऐप को फॉलो कीजिए। और वह खबरी ऐप पे कई लोगों की शिकायत होती है कि आपका चैनल मिलता नहीं है, तो ऑडियो पे क्लिक मत करना, आप चैनल पे क्लिक करना। तो चैनल पे क्लिक करेंगे तो फटाक से चैनल निकल जाएगा और आप ऑडियो सुन सकते हैं अच्छे अच्छे, जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आपको भी और कोई बात पूछनी हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बोल सकते हैं। तो मिस्टर रावत साहब ने पूछा है, पहले इन्होंने सवाल पूछा था, क्या BLDJ से पीछे वाले लोगों का भी डीजे ओपन कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो तो दोनों लोगों का हो जाता है। तो इन्होंने पूछा नहीं, पीछे वाले लोगों का खाली अकेले लोगों का हमको डीजे ओपन करना है। तो अकेले पीछे वाले लोगों का नहीं कर सकते हैं BLDJ से, दोनों का साथ में ही होगा। फिर उन्होंने बोला कि जब BLDJ से कर सकते हैं तो फिर BLSN का प्रयोग काय को करने का, जब BLDJ से कर रहे हैं, क्लोज BLRDJ से हो जाता है, ओपन BLDJ से दोनों का हो जाता है, फिर BLSN का क्या उपयोग है? तो आज का जो वीडियो है इसके ऊपर बनने वाला है। तो भाई BLSN का क्यों क्या उपयोग है, BLSN को क्यों लगाया गया है? तो पहले तो BLSN का काम समझ लीजिए, मल्टीपल लोगों में पीछे वाले लोगों में डीजे भी ओपन होता है और पेंटो भी लोअर होता है, यानी कि पेंटो के सर्किट में भी कट पैदा किया गया BLSN के द्वारा, और MTDJ की ब्रांच पे भी BLSN के द्वारा कट पैदा किया गया है। ठीक है, यानी कि BLSN को जैसे हम नीचे कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो पीछे वाले लोगों में पेंटो भी लोअर होगा और डीजे भी ओपन होगा। यहां ये बात नहीं है पहले पेंटो लोअर होगा और बाद में डीजे, ऐसा नहीं है, पहले डीजे ओपन होगा क्योंकि MTDJ पे भी डायरेक्ट कट पैदा होता है, उसके बाद में पीछे वाले लोगों में पेंटो भी लोअर हो जाएगा। तो जब भी हम डीजे ओपन करते हैं, जैसे न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है, तो न्यूट्रल सेक्शन में अगर हम BLDJ से डीजे को ओपन करेंगे तो दोनों डीजे एक साथ ओपन होंगे, और आगे वाले लोगों में तो हम हैं इसलिए मालूम पड़ जाएगा OHE मीटर से, USA, कि भाई इस लोगों में डीजे ओपन हो गया। लेकिन पीछे वाले लोगों में डीजे ओपन हुआ कि नहीं हुआ हमें कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि LSDJ तो प्रकाशित हो जाने वाला है, चाहे आगे में हो चाहे पीछे में हो, तो LSDJ से तो कंफर्म नहीं होगा। तो फिर कंफर्म कैसे करें? इसके लिए BLSN स्विच को लगाया गया है कि जब जब भी न्यूट्रल सेक्शन आने वाला हो पहले BLSN को नीचे कीजिए, जिससे पीछे वाले लोगों का डीजे ओपन हो जाए, LSDJ प्रकाशित हो जाए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पीछे वाले लोगों का डीजे ओपन हो गया है। अब आप BLDJ के द्वारा आगे वाले लोगों का डीजे ओपन कर दीजिए, या LSDJ तो पहले से प्रकाशित हो चुका है, लेकिन UA मीटर जीरो हो जाएगा और R9 या जो भी है SI यूनिट वगैरह, वो उसकी आवाज बंद हो जाएगी, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस लोगों में भी डीजे ओपन हो गया। इस तरह हमको कंफर्म करना है कि दोनों लोगों में डीजे ओपन हो गया, अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए BLSN स्विच को लगाया गया है कि अलग अलग हम कंफर्म कर लेवे। क्लोज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज होने में तो नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ओपन होने में प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रल सेक्शन में ओपन करना जरूरी है ना, इसके लिए BLSN का बहुत उपयोग है रावत साहब। इसी तरह के वीडियो आप देखते रहिए, आपका रिविजन करते रहिए। मैं किसी भी वीडियो का प्रैक्टिकल नहीं बताता, किसी उपकरण का फोटो नहीं बताता। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई बताइए बताइए, थोड़ा मजा आएगा। मेरे को मालूम है प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा बता सकता हूं, बहुत अच्छा सिखा सकता हूं, लेकिन वो अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग फरमाइश ना करें, इसी में संतोष करें। मैं थ्योरी से ही इस प्रकार आपको बता दूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखते रहिए, माता पिता को प्रणाम करते रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। जय श्री राम।